अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स देखें, मैं आज थोड़ा सा आपको लाइव दिखा देती हूँ। ये है हमारा वो रूम जहाँ पर हम अपनी अपने ब्रांड की शूट करते हैं, ठीक है। अभी इसको रेडी करने में और थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रेडी हो रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और लगनी हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा। और ये है हमारी न्यू कलेक्शन जो सारी हमने इधर, ये देखिए, इसमें न्यू अभी इसमें और स्टिच हो रही है जो इसमें अभी और ऐड होगी, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में बहुत सारा कुछ और भी है आप लोगों के देखने के लिए, तो आप लोग ज़रूर ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। और मेरी ईद की जो मैंने ईद के लिए अपने लिए सूट बनवाया, शॉपिंग की है, और मेरी वो डिज़ाइनिंग हो रही है वो, और मैं आपके साथ अपनी ईद की ड्रेस भी शेयर करूंगी कि मैं ईद के लिए क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। अब तो अपना हमारा ब्रांड है, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ही डिज़ाइन करेगी हमारे सबके कपड़े, अपने भी और हमारे भी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, करूँगी इसी ब्लॉग में। तो आप ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं नाश्ता। सुबह सुबह नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि जल्दी थी, हम लोगों ने आज बहुत सारे काम थे जो करने थे। आपको पता है साथ साथ ब्रांड्स के भी काम चल रहे हैं और साथ साथ हमारे अपने भी, ठीक है। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाज़ार, ठीक है। तो यहाँ पर बाज़ार पहुँच गए हम लोग, और सबसे पहले हमने छोटी छोटी चीज़ें जो लेनी थी वो ले ली, और इसके बाद अब हम यहाँ पर ले रहे हैं। जनाब मेरा ऐसे गुजरते गुजरते मुझे खुस्सा अच्छा लगा, ठीक है, मेरे सूट के साथ मैचिंग था, ठीक है, तो मैंने ख़रीद लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा बच्चियों ने ज्वेलरी लेनी थी, ठीक है, उसको देखा हमने, ज्वेलरी देखी, चेक की, और साथ जो कपड़े वगैरह या जो चीज़ें और ख़रीदनी थी उसकी शॉपिंग की, ठीक है, क्योंकि आज शाम तक काम बहुत सारे थे करने वाले। हमने आज पार्लर भी जाना था, बहुत सारे और भी छोटे छोटे काम जो घर में रुके हुए थे वो थे। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर हम लोग मैंने देखी गुजरते हुए। तो खैर बहरहाल फ़िलहाल तो मैंने ये ख़रीदी है या नहीं, ये तो व्लॉग में आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया, ठीक है। और यहाँ फजर बाज़ार जाए और अपने लिए रिंग्स ना ख़रीदे, ये तो हो नहीं सकता, उसको रिंग्स बहुत पसंद हैं, तो यहाँ से तो मैंने मम्मा लोग गए हुए थे बाज़ार, और जो मैंने ना सालन बनाया था पीछे से ना, वैसे तो मुझे खाना बनाना आता है, पर अभी मैंने जो खाना बनाया था वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतना सारा काम था, तो मैं वो काम करी थी, फिर मैंने सब भूख लगी, भाई थे घर, तो मैंने सालन जो बनाया था पता नहीं क्या बनाया था, तो वो मम्मा खाने लगी है, और देखते हैं जो जो कैसा लगता है। घर में पड़ा था ना वो सब कुछ इसने इसमें डाल दिया, जो फ्रिज में मौजूद था, ये आलू थे, प्याज थे, टमाटर थे, जो जो कुछ इस बच्ची को मिला है ना, समेत अंडे भी, ये अब मम्मा ट्राई करने लगते हैं, देखते हैं क्या कैसा लगता है, इसने देख रही है क्या तैयार कर। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं पार्लर अपना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए, ठीक है। मैं बच्चियों के साथ ज़रा पार्लर पे जा रही हूँ, वहाँ पर कोई मोमेंट शेयर किए गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बाज़ार का काम है वो करके फिर घर आएंगे, ठीक है। और ब्लॉग में आगे आपको आज मैं अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी कि मैंने ईद के लिए क्या बनवाया है। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पार्लर, पहुंच गए हैं घर में। जब बाज़ार से घर पहुंचे तो तजल्ली ने लाइट सा खाना सा बनाया हुआ था घर में, हम तीनों तो बाज़ार से ही खाए थे, तो चावल वहाँ से मिलते हैं वो खा लिए थे हमने, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह से नाश्ता करके निकले तो शाम हो गई थी हमें वहाँ से आते आते। और अब हम लोग आए हैं पार्लर, पार्लर पहुँचे गए, ट्राइब सैलून हम इस दफ़ा आई हैं, ठीक है, बच्चियाँ भी हम आई। तो अच्छा अच्छा पूछती हूँ, तो ये देखिए सारा जो सर्विस एरिया है, कस्टमर अंदर हैं, कुछ में हमारे ही लोग हैं, कुछ में हम लोग हैं, मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली रह गई है, तो करवा के उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं। पूछो जो नज़र, ठीक है, तो मैं दिखाऊँ आपको अंदर इस कैबिन में कौन बैठा है, इस कैबिन में, ठीक है, अभी साथ साथ हमारे कैबिन में सब अलग अलग बैठे हुए हैं, आधा काम हो गया है, आधा भी हो रहा है, ठीक है, तो वो बाकी दिखा दिया मैंने सेटअप सारा, मैं चल के फिर मुलाकात होगी, अब बताइएगा कि कितना सा इफेक्ट आया है मेरे फेस पे, कितना ग्लो आया है, फिर बाकी मुलाकात आपसे होती है आगे चल। ये मैंने क्योर पेडिक्योर वाला एरिया है, माशाल्लाह से सैलून बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ आकर बंदा एक बार रिलैक्स हो जाता है, बहुत
बहुत ही बैठी है, बहुत मज़ा आया, काफ़ी रिलैक्स हो गए ना हम लोग, आके लेडीज़ की रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो बाबरपुर में सैलून तो बहुत सारे हैं, हमें ये है कि इतने अच्छे पैमाने पर मतलब सैलून बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा सारा सिस्टम है। तो यहाँ पर जनाब बच्चियों का मैनीपेडी हो रहा था, मेरा हो चुका है, तो इसलिए मैं अब शरारतों के तौर पर यहाँ वहाँ वीडियोस बना रही थी चलते फिरते। बच्चियों ने सबसे पहले मेरा ही काम करवा दिया, सब फर्स्ट में मैंने ही सबसे पहले फेशियल कराया, मैनीपेडी भी पहले मेरा ही हो गया। वैसे उन वो एक टाइम में 6 लोगों को सर्विस दे रहे थे, तो बारी बारी सबकी बारी आ रही थी। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि फजर फजर से गपशप करते हैं हम लोग, उसका पाँव का यानी पैडी ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उससे पूछते हैं कि कैसा फ़ील हो रहा है उसे। वैसे माशाल्लाह से काफ़ी रिलैक्स है बच्चियाँ, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने और बहुत अच्छा लगा ना, सारा रिलैक्स हो गया हम लोग ना, ये सारा एक बार ट्रीटमेंट सारा करवा के। तो अब बस घर, हम इसके बाद यहाँ से फ्री के घर चलते हैं, तो फिर मैं आपको घर चल के अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये मैं दिखाने वाली हूँ आपको ईद के अपने कपड़ों की शॉपिंग, ठीक है। ये मेरा है बेसिक ईद मेन ईद के दिन का ड्रेस, ठीक है। और ये है एक ड्रेस ऑरेंज कलर का, और एक ड्रेस मेरा मिशेल स्टिच कर रही है। ये दोनों ड्रेसेस भी इंशाल्लाह कल तक स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। और ये है जनाब इस सूट के साथ का कुस्सा, और इन दो सूटों के साथ मेरे पास पहले से शूज़ थे, इसलिए मैं शूज़ नहीं लाए नए, तो मैंने सोचा सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो ईद की तैयारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुकी है। आज का व्लॉग इतना ही था, लाइक पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक भी और चांद मुबारक भी। इंशाल्लाह रात को चांद मुबारक की तैयारियों के साथ फिर मुलाकात होगी कल, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं जल्दी जल्दी खीर बना लूँ, खीर बनाने की तैयारी कर लूँ, सॉरी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।